हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विद सुनील कुमार यूट्यूब चैनल। तो आपको फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको बिहार एसएससी का एक अपडेट आया है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक आज हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से न्यूज आई है कि बक्सा रखने की जगह नहीं मिलने से लटकी है परीक्षा। जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो परीक्षा होने वाली है वो जो है बक्सा रखने की जगह नहीं मिल रही है आयोग के को, इसलिए परीक्षा उसका जो है पेंडिंग है। ये आप आज के हिंदुस्तान न्यूज में देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इस न्यूज को आपको बताता हूँ। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मामला जहाँ था वहाँ अभी भी लटका हुआ है। आयोग पिछले कई महीनों से बक्सा रखने की जगह खोज रहा है लेकिन उसे अब तक निराशा ही हाथ लगी है। आयोग ने दूसरे विभाग को भी इस मामले में मदद की गुजारिश की थी लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया है अभी तक। आयोग के चेयरमैन संजीव कुमार सिन्हा का कहना है कि बक्सा रखने की जगह नहीं मिल रही है, इस वजह से परीक्षा की कोई अंतिम तारीख निर्धारित नहीं हुई है लेकिन प्रयास अभी जारी है। ऐसे में इस परीक्षा में अभी देर होना तय है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से न्यूज आई थी कि बिहार सरकार ने बिहार एसएससी को जो है ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए ऑर्डर दिया है। तो देखिए अभी तो ऑनलाइन परीक्षा लेने के लिए कोई विचार कर रही है आयोग की नहीं कर रही है, इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन आज जो हिंदुस्तान न्यूज में 20 अप्रैल 2018 को जो न्यूज आई है उसमें मामला आ रहा है कि बक्सा रखने की जगह नहीं मिलने के कारण परीक्षा लटकी है। इसके पहले भी परीक्षा हुई थी, परीक्षा को कैंसिल भी किया गया था जिसमें व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप आए थे, जिसमें उनके सचिव और जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो अभी वर्तमान जेल में हैं। तो उसके बाद फिर नए अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति की गई है। तो देखिए कैसा एग्जाम होता है, कब एग्जाम होता है, सभी परीक्षार्थियों का इसका बेसब्री से इंतजार है ताकि परीक्षा जल्द से जल्द हो और उनको नौकरी मिल जाए। लेकिन आयोग अभी कोई निर्णय नहीं ले पा। ओएमआर सीट बक्से में रखी जाएगी, तो बक्सों में ओएमआर सीट रखी जाती है। चूंकि 19 लाख अभ्यर्थी हैं ऐसे में बक्सों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी, इसलिए जगह भी ज़्यादा चाहिए। पहले यह बक्सा बीएसएससी कार्यालय और आईएएस भवन दोनों में रखा जाता था। अभ्यर्थियों के लिए बढ़ रही है मुश्किलें। परीक्षा में देरी होने का सबसे बुरा असर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की तैयारी पर पड़ रहा है और पड़ेगा। उनकी तैयारियों को जो है पुरानी पड़ती जा रही है। अब परीक्षा की नई तारीख तय होने पर अभ्यर्थियों को फिर नए सिरे से तैयारी करनी होगी, खासकर करेंट अफेयर के पार्ट पर उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अन्य विषय को भी फिर से तैयारी करना पड़ेगा। जो अभ्यर्थी फिजिकल पदों के लिए भी आवेदन किए हैं उन्हें तो और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 3 साल पहले जो उनके शरीर में एनर्जी थी वो अब एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगी। तो इसलिए ये सारी बातें आयोग को ध्यान देनी चाहिए और परीक्षा जो है समय पर जल्द से जल्द आयोग को कराना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई आयोग निर्णय नहीं ले रही है और नहीं ले पाई है, अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है। तो जैसे ही आयोग द्वारा कोई नया न्यूज दिया जाता है और परीक्षा का डेट घोषित किया जाता है मैं तुरंत आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और बगल की जो बेल की घंटी है आप उसको दबा दें, क्योंकि उससे होगा कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।